हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी आज हम बनाएंगे जैसे कि फ्रेंड्स ये देखिए हमारा सूट पैकिंग का, देखिए कितना अच्छा है। तो ये हम इजीली बना सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स एक तो ये जैसे आजकल हमारे शॉपिंग बैग होते हैं उनसे भी बना सकते हैं। हमें क्या होता है जी इस तरह का प्लेन, एक तो जैसे बच्चे कई लेमिनेशन करते हैं ये पॉलीथीन, तो आम ही ऊपर वाला तो हमें किसी भी शॉप वगैरह से मिल जाता है। और कोई भी फाइबर ले लीजिए, जैसे आपका कोई भी कपड़ा, जैसे कोई ये साड़ी है देखिए, है ना, इसके थोड़ा सा इसका फाइबर इस तरह का है भी, मतलब देखने में बनने में अच्छा लगेगा। तो कुछ कपड़े हमारे वेस्ट होते हैं तो उनसे जी हम बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जी आज वीडियो करते हैं स्टार्ट। हम बनाएंगे सूट पैकिंग ऑर्गेनाइज़र। हाँ जी फ्रेंड्स, तो जी ऐसे इंची टेप से पहले बड़ा बड़ी साड़ी है ये, और ये भी वेस्ट थी मेरी। खैर ये है इसका स्टफ है ऐसे कुछ पेपर कॉटन टाइप सी में, तो इसके ये पॉलीथीन ये जो है ना हमारी सूट पैकिंग के बहुत अच्छी बनेंगे। तो जी सबसे पहले मैं लंबाई और चौड़ाई इस तरह नाप रही हूँ। तो लंबाई से मैंने चौक से निशान लगा लिया है दोनों साइडों में। तो लंबाई ली है मैंने इसकी 18 इंच और चौड़ाई से मैंने इसको किया है 17 इंच। तो जी 18 में ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि 2.5 इंच का थोड़ा सा ऊपर से जो बनाएंगे सूट पैकिंग का वो थोड़ा फोल्ड करेंगे जहाँ पे हम लगाएंगे जिप। बस फ्रेंड्स ये कटिंग करने से पहले ही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद तो सारा प्रोसेस ही हमारा बहुत ही सिंपल और इजी है। ये देखिए जी, चाहे तो हम 3 उंगल से ऐसे नाप सकते हैं, 3 उंगल का फोल्ड कर लेना है। और ये कपड़ा देखिए पेपर कॉटन है और ये देखिए फोल्ड हो गया, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए ये है 2.5 इंच की पट्टी फोल्ड की है और इधर ऊपर से 1-1 इंच का फोल्ड किया है ये देखिए, और साइडों में भी 1-1 इंच कपड़ा मैंने बदल लिया है। अब ये जो ऊपर वाला ये है जो बच्चे लेमिनेशन वगैरह बुक्स वगैरह पे करते हैं या अक्सर हमारे सूटों में भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलीथीन आपको घर में मिलेंगे जी। तो इस तरह देखिए ये वद है, इसको मैं साइडों में से काट दूँगी और ये ऐसे देख लीजिए, अब आपको दिख रहा है इधर जिप के साथ जिप रखेंगे ऊपर जो 2.5 इंच का इस तरह कपड़ा काटा है उस पे। तो अब जी सबसे पहले क्या करूँगी, सारा मेज़रमेंट कर लिया है और ये वाइट वाले को और इधर हमारा जो कपड़े का फाइबर है दोनों को पहले तो हम अटैच करेंगे दोनों को एक दूसरे से। तो बस जी इनको अटैच करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जी अटैच करके मैं अब आपको बता रही हूँ, ये दोनों जुड़ चुके हैं, एक फाइल की तरह तैयार हो गई है ये देखिए। अब इसको क्या करूँगी, जिप लगानी है, इसीलिए ना थोड़ा सा कपड़ा पॉलीथीन की साइड रखना है जो वाइट है और थोड़ा सा कपड़ा इधर इस तरह ना बीच में कट लगाया है, यहाँ लगेगी हमारी जिप। इधर से इस वाले ऊपर वाला है जो पॉलीथीन इसके साथ अटैच होगी जिप, और कुछ ये जो साड़ी का कपड़ा है इससे अटैच करेंगे। तो ये देखिए जी इस तरह मैं अटैच कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, मैंने इस तरह जिप लगा दी है दोनों पे। और ये हमारी जिप वाइट कलर की थी, वो भी वेस्ट पड़ी है, वैसे आप ला सकते हैं मार्केट से भी, ये भी 10 या 20 की रेंज में सिंपल जिप आ जाती है। अब देखिए जी ये हमारी जिप भी लग चुकी है और साइडों में ना, और ये भी मैंने मशीन से सारा कर दिया है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने दिखाया वैसे साइडों में कपड़ा पॉलीथीन के ऊपर मैंने ऐसे 1-1 इंच का साइड लंबाई में से और साइडों में से 1 इंच का फोल्ड करा और ऊपर से 2.5 इंच का फोल्ड हमने करा है जिप की साइड से। और अब ना इसी कपड़े का ही ऐसे फ्लावर बनाऊंगी
और ये देखिए ये काम करूँगी मैं थोड़ा सा ग्लू गन से, क्योंकि ये अब पता क्या एक्चुअली में ना ये सब कुछ अटैच हमारा हो चुका है, तो मशीन से थोड़ा सा ये फटने का पॉलीथिन ये है भी थोड़ा सा डर है, तो इसीलिए ना बस ये ऊपर से क्या है लास्ट इसमें पट्टियाँ ही लगानी है हमने, थोड़ा डिज़ाइन डेकोरेट करना है इसको जो हमारा सूट का पैकिंग का ऑर्गेनाइज़र बन रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह जी साड़ी की छोटी छोटी पतली पतली दो स्ट्रिप्स मैंने 1-1 इंच की काटी है और ग्लू गन से इस तरह ऊपर लगा दी है और एक छोटा सा फ्लावर हमने बनाया है। तो जी इस तरह देखिए हमारा जीरो कॉस्ट में सूट पैकिंग ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। तो फ्रेंड्स आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मैं अभी आपको ये इसमें डालकर भी दिखाती हूँ।